हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कवर पेज देख के आपको पता चल ही गया होगा आज हम प्रॉन्स करी बनाने वाले हैं। बट हाँ, ये सुपर डिलीशियस एंड ऑथेंटिक कोंकणी स्टाइल में बनाने वाले हैं। वेस्टर्न कोस्ट के कोंकणी एरिया में जो भी ऑथेंटिक स्टाइल से प्रॉन्स करी बनती है, वो वाली रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो रेसिपी के लिए बारीक कटा हुआ एक टमाटर और एक प्याज लिया है, साथ ही में 200 ग्राम क्लीन प्रॉन्स लिए हैं एंड इसे अच्छे से वॉश करके प्लेट में निकाल लिया है। ऑफ कोर्स ये सी वाटर फ्रेश प्रॉन्स है। इसके बाद पैन को गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, इसमें लहसुन की 5 से 6 क्रश की हुई कलियाँ डाली है। बाकी इसमें जीरा राई कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ क्रश्ड गार्लिक डलेगा। और ये जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसका कलर जब सुनहरा ब्राउन हो जाएगा, उस वक्त इसमें हम बारीक कटा हुआ अनियन डालेंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को भी अच्छे से लाइट ब्राउन कलर आने तक भूनना है। तब तक के लिए हम प्रॉन्स को मैरिनेट करने की रेसिपी देखते हैं। जब तक प्याज पक रहे हैं, तब तक प्रॉन्स के ऊपर हम मैरिनेशन करते हैं। सो जो प्रॉन्स हमने वॉश करके रखे थे साइड में, उस पर थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद हल्दी पाउडर डल गई है। उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे कोई भी फिश की रेसिपी में ये लोग हींग का यूज़ करते हैं, ताकि उसका कोई स्मेल अगर आता भी हो तो ना आए इसलिए, और साथ में कोई भी करी का फ्लेवर तो इन्हांस हो ही जाता है। अब इसमें जाएगा रेड चिल्ली पाउडर। तो आपको लाल मिर्च जितनी पसंद हो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नमक और लाल मिर्च आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। ये देख सकते हैं प्याज अच्छे से भुन गए हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे एक 2-4 तेज़पत्ता एंड एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। जब भी अनियन अच्छे से फ्राई हो जाए, कुछ अच्छे से कलर आप देख सकते हैं, अच्छे से फ्राई होने के बाद ही हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और ये टमाटर भी अच्छे से पका लेंगे। जब टमाटर ऐसे अच्छे से पक जाएंगे, तब इसका ऑयल सेपरेट हो जाता है। अगर कोई टमाटर थोड़ा सा बड़ा रह गया होगा, तो उसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिए चम्मच की मदद से। टमाटर तो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो प्रॉन्स हमने मैरिनेट करके रखे थे, वो सारे प्रॉन्स हम इसमें डाल देंगे। प्रॉन्स में ऑलरेडी हमने रेड चिली वगैरह जो भी सारा मसाला था हमने उसमें डाल दिया है, तो कुछ अलग से हम नहीं डालने वाले हैं। ये प्रॉन्स इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है, जो भी सारे मसाले थे पूरे अच्छे तरह से सारी जगह अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसके बाद इसे कवर करके 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। जो भी मसाले हैं, मसालों के साथ ही प्रॉन्स को 10 मिनट तक पकाना है पूरा कवर करके। इसकी वजह से इसका पूरा मसालों का फ्लेवर प्रॉन्स के अंदर तक जाएगा। हम उसका ढक्कन खोल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। अगर आपको ग्रेवी चाहिए होगी आप ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम करी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। एकदम ठंडा पानी नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी डालिए इसमें। यहाँ पर हम ग्रीन चिली, फ्रेश कोकोनट एंड अदरक एंड लहसुन की पेस्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये पेस्ट हम इसमें डालने के लिए बना रहे हैं। कोंकणी रेसिपी है, तो इसमें कोकोनट तो फ्रेश नारियल तो जाएगा ही। सो हरी मिर्च, नारियल, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया है ऑलरेडी, और इसे हम करी में ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। 2-3 उबाल आने तक इसे एटलीस्ट 5 मिनट तक कुक कीजिए।
एंड रेसिपी इज़ बिल्कुल रेडी। सो आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसी बनी थी।